नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4, 5 और 6 मई के आपकी राशि की महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, से की शुरुआत बात करते हैं यश में। ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का श्राप की राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी बेहतर बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहले जानते हैं इन दिनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। 4 मई की बात करें तो दो दिन मंगलवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और श्रवण नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इस दिन योग की बात करें तो ब्रह्म नाम का शुभ योग दिन रहने वाले हैं। राहु काल के समय की बात करें तो यह समय रहेगा शाम के 3:37 से लेकर शाम के 5:15 तक। दोस्तों, यह राहु काल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें और चंद्रमा दिन मकर के उपरांत कुंभ में संचार कर जाएंगे। दोस्तों, 5 मई के दिन बुधवार का दिन होगा, नौमी तिथि होगी और घनिष्ठा नाम का दिन नक्षत्र भी रहेगा और इसमें इंद्र नाम का भी योग रहेगा। राहु काल का समय दोपहर के 12:23 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक रहेगा और चंद्रमा दिन कुंभ राशि में ही संचार करेंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन 6 मई की बात करें तो गुरुवार का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि होगी और इस दिन शतभिषा नाम का नक्षत्र रहेगा। इस दिन योग की बात करें तो इंद्र नाम के योग के बाद वैधृति नामक शुभ योग रहेगा और यह योग भी बहुत ही लाभकारी होंगे। राहु काल का समय सुबह दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 3:38 रहेगा और इस दिन चंद्रमा जो है कुंभ राशि पर ही संचार करेंगे। तो आए दोस्तों, बात करते हैं इन 3 दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह बदलाव आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इन दिनों में कामकाज के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त की जा सकती है। घर परिवार में जो घर गृहस्थी की स्थिति है वह यश में अच्छा हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर स्थितियाँ यश में अनुकूल रहने वाली है। दोस्तों, संतान के पढ़ाई लिखाई तथा करियर को लेकर यश में आपका मन प्रसन्न और संतुष्ट हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर ये जो समय होंगे आपके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें यानी सावधानी की, तो दोस्तों यश में आपको अपने दोस्तों से जो इज्जत मिलने वाला है वो आपको खुशी से भर देगा। लेकिन दोस्तों, आपको यश में सावधान भी रहना चाहिए क्योंकि आपके कुछ दोस्त आपसे जो है इस्तीफा भी कर सकते हैं। आप उनके इस बर्ताव के लिए जो जिम्मेदार भी नहीं होंगे और आप ये भी नहीं चाहेंगे कि उनकी ईर्ष्या आपको प्रभावित करे। इसलिए दोस्तों, ये जो समय होंगे आपके लिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आप जो है निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं। कुछ मामलों में आपको अभी जो है यह समय इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर कामों में आपके जो फैसलों का जो है आपको फ़ायदा मिल सकता है और ये जो समय होंगे आपकी छवि में सुधार होगा। ये आपके लिए कुछ नया काम करने में जो है काफ़ी मददगार साबित होगा। वहीं दोस्तों, इन दिनों में जो शाम का समय होगा अपने प्रेमी के साथ कहीं आप बाहर घूमने भी जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे आपके करियर के मामले में कोई नया उद्यम शुरू आप कर सकते हैं। निवेश करने से पहले आप जो है अपना शोध कर लें। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो दिन होगा बहुत ही अच्छा दिन रहेगा, कारोबार अच्छा चलेगा और धन लाभ की स्थिति रहेगी। व्यापार विस्तार की योजनाएं इन दिनों में बन सकती है। फिर भी दोस्तों, कार्य में सफलता मिलने में जो है विलंब हो सकता है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में नई दोस्ती की नींव रखने का दिन होगा। दोस्तों, इन दिनों में व्यावसायिक व फिर सामाजिक संबंध बनने के प्रबल संकेत हैं। किसी सामाजिक समारोह में आप जो है नए नए लोगों से मिलेंगे जिससे कई नए संबंध भी जो है स्थापित हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, शाम का समय जो है साथी के साथ वक्त गुजारने का समय होगा। अपने किसी परिजन के साथ समय गुजार सकते हैं, इसका संकेत यहाँ पर ग्रहों की स्थिति दे रही है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो आपको तनाव और थकान दूर करने के लिए जो है मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ सकता है। दोस्तों, इन दिनों में शांति से जो है आपका दिन व्यतीत होगा, आप इन कार्यों को ज़रूर करें।
वहीं दोस्तों इन दोनों में अगर आपकी भाग्यशाली रंग की बात करें तो भाग्यशाली रंग रहेगा सिल्वर और भाग्यशाली अंक रहेगा 3। वहीं दोस्तों इन दिनों में ऑफिस में अधिक अच्छा पद प्राप्त करने के लिए आप अपनी कारकिर्दगी और उससे संबंधित मामलों को प्राथमिकता देंगे। उसके लिए जो समय होंगे अधिक परिश्रम भी आप करेंगे। इस मेहनत का जो फल होगा शायद आपको इन दिनों में ना मिले, परंतु बहुत ही कम समय में उसके अच्छे परिणाम आपको जो है प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत जीवन में ये जो समय है कोई उल्लेखनीय घटना नहीं होगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी जो है धन को लेकर स्थिति की बात करें यानी वित्तीय स्थिति की, तो दोस्तों ये समय स्थिर होने का जो है दृढ़ संकल्प आप करेंगे। ये जरूरी है कि मीटिंग में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आप जो है सही शब्दों का उपयोग करें, अन्यथा लोगों पर इसका जो है गलत प्रभाव पड़ेगा और इससे करियर के मोर्चे पर आपके लिए जो समय होंगे आपको प्रगति करने में बाधा आएंगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो विचारों में असमानता आपकी रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। जब आप अपने प्यार के साथ हो तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए, बहस करने से इसमें आपको बचना चाहिए। दोस्तों बहस से बचने के लिए यह एकमात्र तरीका है। अपनी गलतियों से सीखना एक मधुर रिश्ते के दरवाजे पुनः खोल सकता है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये जो आपके लिए शवे होंगे, गणेश जी की भविष्यवाणी है कि इन दिनों में आप पैसों का प्रवाह सुस्त होगा। आप अपने पर्स को कसकर पकड़े रहेंगे और किसी भी चीज़ पर खर्च नहीं करेंगे या आपकी रिजर्व सेविंग इन दिनों में जो है कम हो सकती है। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, गणेश जी का मानना है कि आप अपने आसपास के चीज़ों से बहुत कुछ जो है सीख पाएंगे, उनसे खुशी महसूस करेंगे। आपके जो निर्णय है यह समय दोबारा आप निर्णयों को दोबारा ले सकते हैं। आपको तनाव यह समय हो सकता है, यह आपके स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित भी करेगा। मूड में आने वाली उतार चढ़ाव के कारण आप अधिक परेशानी इन दिनों में महसूस कर सकते हैं। मैं आपके लिए जो समय होंगे, अगर आप पर्याप्त आराम नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको थकान हो सकता है, आप इस थकान को महसूस कर सकते हैं और आपको अतिरिक्त आराम करने की इन दिनों में ज़रूरत होगी। करीबी रिश्तेदारों के घर जाना या समय आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। दोस्तों अपने साथी को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने से इन दिनों में बचें। जिन लोगों के घर वाले शिकायत करते हैं कि वो घर वालों को जो है पर्याप्त समय नहीं देते, वो ये जो दिन होंगे उनमें घर वालों को समय देने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों एन वक्त पर किसी काम के आ जाने की वजह से आप जो है ऐसा नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन साथी के किसी काम की वजह से आप कुछ जो है शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में माता के साथ आपका जो समय होगा अच्छा समय होगा। दोस्तों इन दिनों में आप जो है भगवान में आस्था रखें, सत्संगति करें और मानसिक हिंसा करने से इसमें बचें। इससे दोस्तों आपका आर्थिक स्थिति जो है वह बेहतर होगी। दोस्तों यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में बड़ी और लग्जरी गाड़ी और अपना एक बड़ा परिवार चाहते हैं तो दोस्तों किसी से भी गेहूं, बाजरा आदि अन्न मुफ्त या फिर दान में ना लें। दोस्तों आपको बता दें कि अपने जीवन में किसी भी स्त्री संबंधित झगड़ों से आप दूर रहें और दोस्तों और अपने धार्मिक स्थलों पर नारियल, बादाम और तेल का दान करते रहें। दोस्तों यह उपाय ऐसे लोगों के लिए है जिनका सूर्य दूसरे घर में होता है। तो दोस्तों अगर आपकी सूर्य ऐसे में दूसरे घर में है तो दोस्तों यह उपाय जरूर करें। ये उपाय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होंगे और पूरा साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भाग्यशाली रहेंगे। और साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।